मिनट, स्क्रीन तो आ जाए जो मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, आ गया। ठीक है, ओके। आई एम सॉरी, देर वॉज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। नाउ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन एंड ऑडियो ऑल्सो। सो 90,000 इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड वैल्यू अक्वायर्ड इज 66,600। सो इट विल बी 23,400। नाउ कमिंग टू पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, यू सो टोटल रिजर्व वॉज 20 is 5, सो पोस्ट इज 15। इट इज डिवाइडेड बिटवीन होल्डिंग एंड माइनॉरिटी। होल्डिंग कंपनी शेयर इज 9,000, दिस इज मार्क्ड द डी, एंड दिस 9,000 यू विल एड इन द रिजर्व ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इट विल बी एडेड टू द रिजर्व ऑफ द होल्डिंग कंपनी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज 4,000 एंड यू विल एड 2,400 टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सरप्लस अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड 1,600 इज द शेयर ऑफ द माइनॉरिटी। सो टोटल ऑफ द माइनॉरिटी 40,000 प्लस 2,000, 2,400, 6,000, 1,000, इट विल बी 52,000। इट विल बी नोन एज एफ। नाउ लुक हियर, टोटल वैल्यू 1 लाख प्लस 20 प्लस 10, 130 एंड 40% बिलोंग्स टू माइनॉरिटी। यू कैन क्रॉस चेक, 130 40% will be 52,000. This will be minority interest. Now let us make the consolidated balance sheet. First is equity and liabilities. Number one, shareholders fund. In shareholders fund, we have to write share capital, reserve and surplus. Share capital will be of the holding company. Holding company share capital is 2 lakhs. That we have taken here. Now reserve and surplus. 60,000 reserve of the holding company, 20,000 surplus, 80,000 plus 9,000, 89,000 plus 2,400, 91,400. So total reserve and surplus is 91,400. That I have calculated in the schedule also. Look here, reserve and surplus. Reserve of holding company 60,000, share from subsidiary 9,000, total 69,000. Surplus of holding company 20,000, share of subsidiary 2,400, total 22,400, total is 91,400. Minority interest is 52, that we have calculated here, 52,000. So I will add 52. Now the liability. Liability, look at the balance sheet. Creditors, only one liability, 30 plus 20, 50. So put it here. 50. So total would be 291,400 plus 52 plus 50, 393,400 total equity and liability. Coming to the asset side, 220 plus 150, 220 plus 150, 370, and intangible assets, that is goodwill, 23,400. So total comes to 393,400. I think this question is clear. Now here I will ask you to ask the questions, if any. Please just come to the question answer section, because after doing the questions we will take up the other things. The screen will be shared, so I am leaving the question here. Okay, so please ask your questions and we will meet after 5 minutes.
अच्छा, नाउ आई विल टेक अप द क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये नोट्स नहीं मिले, नोट्स के लिए आई विल रिक्वेस्ट द ऑर्गेनाइजर्स टू अपलोड इट. आई थिंक लाइव सेशन क्लास आज आपका खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये अरेंज करके अपलोड कर देंगे. देखिए रतिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. क्या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सब्सिडियरी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का? अगर है तो कौन से टाइप ऑफ होल्डिंग कंपनी है? देखिए पहली बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन ये कंपनी नहीं है, एंटरप्राइज है. एंटरप्राइज भी इसमें हो सकते हैं. स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग कम्स डायरेक्टली अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. द होल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल सब्सिडियरी को एडमिशन देना है, किसको नहीं देना, इन किसी भी चीज के बारे में इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते. जो भी डिसीजन यूनिवर्सिटी का हो, वो सिर्फ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग नहीं, जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बैनर में, सभी के ऊपर वो डिसीजन लागू होंगे. सेम सिलेबस, सेम एग्जामिनेशन, सेम डिग्री. अच्छा, यहाँ पर सवाल यह है, कैन यू एक्सप्लेन द टेबल? डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन द टेबल अगेन आफ्टर आई टेक अप द क्वेश्चंस. आई विल कम टू द टेबल एंड एक्सपेंडेबल है. वो मिलने जानने के लिए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया नहीं आया है. ये टेबल बड़ी मेहनत से बनी है, थोड़ा सा तो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगे इससे. यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस, आपने बाद में ज्वाइन किया हो, आप एक काम करिए, इसको जो भी मटेरियल दिया है उसका एक बार प्रिपरेशन वाली बात, कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है वो पढ़ लेंगे तो आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. यस आई विल सॉल्व इट अगेन दिस क्वेश्चन, डेफिनेटली आई विल डू इट अगेन. अच्छा, इतने ही क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन. अच्छा प्लीज, देखिए ये क्वेश्चन है, ये टेबल है. इस टेबल से पहले मैं इसको रिमाइंड कर रहा हूं, मैं सारी चीजें डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन का मतलब ये है किस दिन कंपनी के शेयर्स खरीदे गए हैं. ये जो क्वेश्चन मैंने दिया आप इसके संदर्भ में समझिए. बैलेंस शीट है 31/3/2020 और कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने इसके शेयर्स खरीदे हैं 1 अप्रैल 2019 को. सो डेट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1 अप्रैल 2019. डेट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस की डेट है 31 मार्च 2020. शेयर ऑफ द होल्डिंग पेरेंट कंपनी एंड दैट ऑफ द माइनॉरिटी, ये आप देखेंगे इस इलस्ट्रेशन में. सब्सिडियरी कंपनी के शेयर से 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय इसका मतलब 5,000 शेयर में से 3,000 खरीदा, तो होल्डिंग कंपनी का
शेयर होगा थ्री बाई गया 60%, कम्युनिटी का शेयर 14%, होते हैं 100%। अगर इस क्वेश्चन ऑन दैट डेट ऑन व्हिच डेट ऑन 1 अप्रैल 2019 ऑन द डेट ऑन व्हिच द कंपनी परचेज द शेयर रिजर्व ऑफ एस वाज 5000, टोटल रिजर्व 20000, पहले के कितने 5000, तो बाकी कितने 15000। प्री एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले के रिजर्व 5000, एक्विजिशन के बाद के रिजर्व 15000, टोटल हो गया 20000। सिमिलरली सरप्लस, टोटल है 10000, सरप्लस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन 6000। जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स खरीदे उस दिन उसके सरप्लस था 6000, टोटल सरप्लस बैलेंस शीट डेट को है 10000। इसका मतलब 4000 के सरप्लस बाद में मिले हैं, पहले 6000 था बाद का 4000। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व। देखिए कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व जो एक्विजिशन के डेट से पहले है वो कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व माना जाएगा, उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में लिया जाएगा। कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व एक्विजिशन के डेट के बाद का है उसको पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व मानेंगे या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट मानेंगे। जो पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में होल्डिंग कंपनी का शेयर है, होल्डिंग कंपनी अपने रिजर्व में उसको ऐड कर देंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का होल्डिंग कंपनी का शेयर है, होल्डिंग कंपनी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में अपने शेयर को ऐड कर देंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में चाहे प्री एक्विजिशन हो चाहे पोस्ट एक्विजिशन, सारा टोटल करके कैलकुलेट किया जाता है। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले शेयर कैपिटल 2 लाख 1 लाख, 1 लाख में से होल्डिंग कंपनी ने 3000 शेयर खरीदे हैं। 3000 शेयर खरीदने का मतलब ये हो गया 3/5, एस लिमिटेड की जगह हम माइनॉरिटी शेयर लिखेंगे। अब इस टेबल को देखो, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन रिजर्व, ये तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एड टू द प्रॉफिट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सीबीएस, जो भी होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा, देखिए जो भी प्रॉफिट है उसको दो हिस्सों में बांटेंगे, होल्डिंग कंपनी माइनॉरिटी। अगर आपको ध्यान होगा ये 15000 रिजर्व है, 15000 का 60% कितना होगा 9000 रुपए, माइनॉरिटी होगा 6000। ये 9000 रुपए हम होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में ऐड करेंगे सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। ये देखिए रिजर्व शेयर ऑफ एस 9000, इसी तरीके से पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 4000, होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होगा 2400, ये 2400 होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट था 20000, सब्सिडियरी का हिस्सा 2400, ये टोटल हो गया 22400, ये हो गया टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 91400 सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखाया। अब फिर वापस टेबल पे आओ, अमाउंट पेड 90000, वैल्यू अक्वायर्ड, इसमें तीन चीजें लिया है, शेयर कैपिटल लिया है, प्री एक्विजिशन रिजर्व
जिस दिन हमने अक्वायर किया उससे पहले का रिजर्व का हिस्सा और उससे पहले का प्रॉफिट का हिस्सा, ये तीनों जोड़ देंगे, दैट इज बिकमिंग डी. 60,000 प्लस 3,000 600, टोटल हो गया 66,600. 9,000 में से इसको लेस कर देंगे तो गुडविल बन जाएगा 23,400. अगर ये 90,000 से भी ज्यादा होता, ये नेगेटिव हो जाता और हम गुडविल की जगह कैपिटल रिजर्व दिखाते. गुडविल सीबीएस में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, एसेट साइड में शो करेंगे. अगर कैपिटल रिजर्व होता कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, ये हो गया आपको. उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का हिस्सा रिजर्व में ऐड कर दिया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा प्रॉफिट में ऐड कर दिया. टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब मिलाकर हुआ 1 लाख, सॉरी 52,000. देखिए 40 प्लस 2 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 1,000, टोटल हो गया 52,000. इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे. अब देखिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व, दो रिजर्व एंड सरप्लस 91,000. टोटल फंड इज 2,91,400. माइनॉरिटी इंटरेस्ट 52,000, करंट लाइबिलिटी 50,000, तीनों का टोटल हुआ 3,93,400. दैट इज टोटल ऑफ द इक्विटी एंड फिक्स्ड एसेट से 220 प्लस 150 370. इंटेंजिबल हो गया गुडविल 23,400, टोटल हो गया 393,400. ये आई होप क्लियर हो गया. अगर ये क्लियर हो गया है, मैं दोबारा उस टेबल पे आ रहा हूँ. देखिए इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल लिया है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लिया है, प्री एक्विजिशन लिया है. इन इन तीनों के अगर क्या का है जिसको सरप्लस में एडजस्ट करना है उसको यहाँ पर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में दिखाएंगे. इसके अलावा बाकी जो भी आइटम्स हैं, जो स्पेशल आइटम्स हैं, उनके बारे में मैं आगे पढ़ा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए. या कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं वो टेबल बनाएंगे. टोटल अमाउंट पेड उसमें से शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट, रिजर्व एंड प्रॉफिट वो लेना है जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, प्री एक्विजिशन रिजर्व है. इन तीनों को ऐड करके टोटल पेमेंट, टोटल परचेज से घटा देंगे, दैट विल बी गुडविल. पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का हिस्सा होल्डिंग कंपनी का, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में जोड़ देंगे. पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का हिस्सा होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में जोड़ देंगे. जो भी टोटल शेयर कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट हैं सब्सिडियरी कंपनी में, उससे माइनॉरिटी शेयर कैलकुलेट और माइनॉरिटी शेयर लाइबिलिटी में शो करेंगे. अभी तक मैंने इतना बताया है. अब इसके आगे ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल प्री एक्विजिशन लॉसेस. देखिए जिस तरीके से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट माना जाता था, उसी लाइन पर प्री एक्विजिशन लॉस होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल लॉस माना जाएगा और इसको हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्टमेंट करेंगे. क्या मतलब है इसका? अगर प्री एक्विजिशन लॉस होगा उससे गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी या कैपिटल रिजर्व कम हो जाएगा.
पोस्ट एक्विजिशन लॉस होगा, दे आर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू लॉसेस, और उसके प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्री एक्विजिशन लॉस, इसका मतलब जिस दिन हमने बिजनेस एक्वायर किया है उससे पहले के लॉस हैं, उसका प्री एक्विजिशन लॉस मानेंगे, उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्टमेंट करेंगे। पोस्ट एक्विजिशन लॉस होगा, उसका रेवेन्यू लॉस मानेंगे, उसका पी एंड एल में एडजस्ट करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा हुआ एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एबनॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? वो लॉस या गेन जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस के लिए एबनॉर्मल है। अब आजकल की जो परिस्थिति चल रही है, जिस कारण से आप क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं, आप जानते हैं COVID-19 का प्रकोप, उसकी वजह से लॉकआउट हुआ है। इस लॉकआउट के सिचुएशन में बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस ऐसे बंद है। कल मैं कंपनियों के रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, पूरे अप्रैल के महीने में एक भी पैसेंजर कार की सेल नहीं हुई है, ना होने की कोई संभावना है। आपको ध्यान होगा 24 मार्च से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लॉकआउट डिक्लेयर किया था। तो ऐसी परिस्थिति है एबनॉर्मल, ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस नहीं है। तो इसी तरीके से कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल गेन होगा, वो जो भी कंपनी है उसके प्रॉफिट को असर नहीं डालनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे, कैंसल द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और गेन टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर। करेंट ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन का इफेक्ट को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। Apply the time ratio to find out the profit of pre and post period. Time ratio का मतलब, मान लीजिए आपके बैलेंस शीट है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, और आपने बिजनेस एक्वायर किया है 1 अगस्त 19 को। इसका मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आपने 1 अगस्त को एक्वायर किया, उससे पहले क्या होता है 31 जुलाई, तो प्री एक्विजिशन पीरियड हुआ 4 महीने का, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड होगा 1 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक। आप अगर गिनेंगे अगस्त से, 1 अगस्त से मार्च 2020 तक, ये हो जाएगा 8 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 months, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टाइम रेशियो हो गया 4 and 8, 1/3, 2/3। सो अप्लाई द टाइम रेशियो टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑफ प्री एंड पोस्ट। रीइंस्टेट द इफेक्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस गेन इन द प्री पोस्ट पीरियड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ अकरेंस। अगर एबनॉर्मल लॉस प्री पीरियड में हुआ है तो उसको प्री पीरियड में एडजस्ट करेंगे, पोस्ट पीरियड में हुआ है पोस्ट पीरियड में एडजस्ट करेंगे। अब इसको किस तरीके से समझाया जा सकता है, इसका इलस्ट्रेशन मैंने दिया हुआ है, जब बाद में इलस्ट्रेशन आएगा उसी समय समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा। इंटर कंपनी ओइंग्स और म्यूचुअल इंडेबटनेस, इसका मतलब क्या है? एक कंपनी के डेटर्स दूसरे कंपनी के क्रेडिटर्स है, एक कंपनी के लोन्स दूसरे कंपनी के एडवांसेस है, एक कंपनी के बिल्स रिसीवेबल दूसरे कंपनी के बिल्स पेबल है। जब मैं एक कंपनी और दूसरे कंपनी कह रहा हूँ, इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के डेटर्स कुछ ऐसे हैं, होल्डिंग कंपनी ने पैसा लेना है, किससे? सब्सिडियरी से लेना है।
इसका मतलब सब्सिडियरी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, होल्डिंग कंपनी के डेटर्स हैं। उदाहरण के लिए होल्डिंग कंपनीज डेटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 पेबल टू द होल्डिंग कंपनी। अगर आप सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, वो 10,000 कॉमन है, वो डेटर्स में भी जुड़े हुए हैं और क्रेडिटर्स में भी जुड़े हुए हैं, तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? डिडक्ट द म्यूचुअल इंडेबटनेस, म्यूचुअल ओइंग्स फ्रॉम क्रेडिटर्स ऑन वन साइड, फ्रॉम डेटर्स ऑन द अदर साइड। इसका मतलब क्या है? टोटल आप डेटर्स का टोटल करोगे, उसमें से 10,000 रुपए लेस कर दो। टोटल क्रेडिटर्स का करोगे, उसमें से 10,000 रुपए लेस कर दो। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी को एडजस्टमेंट करना है। उसमें देखिए क्या क्या है। सच म्यूचुअल ओइंग्स आर इंडेबिट लोन्स रिसीवेबल एंड लोन पेबल। एक क्रेडिटर्स होल्डिंग कंपनी के डेटर्स, सब्सिडियरी के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, या सब्सिडियरी के डेटर्स भी हो सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, होल्डिंग कंपनी के बीआर, सब्सिडियरी के बिल्स पेबल, सब्सिडियरी के बिल्स रिसीवेबल, होल्डिंग के बिल्स पेबल हो सकते हैं। डिबेंचर्स इशूड बाय वन कंपनी हेल्ड बाय अनदर कंपनी, एक कंपनी में डिबेंचर्स इशू किया है, दूसरी कंपनी के पास है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स रिसीवेबल, अगर इंटरेस्ट एक कंपनी को मिलना है उसके लिए एसेट होगा, तो दूसरी कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेबल लायबल। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा रूल है, कोई भी चीज अगर एसेट साइड में और लायबिलिटी साइड में दोनों तरफ दिखाई जा रही है, उसको हमने दोनों तरफ से कम करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कैसे करेंगे? दोनों तरफ से लेस करके। नेक्स्ट आइटम, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक और अनफिक्स्ड एसेट्स। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक, इसको पहले समझिए कि मीनिंग क्या है इसका। ये मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को 40,000 का माल 50,000 बेचा। रिपीट कर रहा हूं, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को 40,000 का माल 50,000 में बेच दिया। इसमें होल्डिंग कंपनी को 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में 10,000 रुपए जुड़ा हुआ है। जो माल होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को बेचा था, वो सारा का सारा माल सब्सिडियरी ने आगे बेच दिया। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है, दैट इज रियलाइज्ड प्रॉफिट। मान लीजिए उस 50,000 के स्टॉक में से 10,000 रुपए सब्सिडियरी के स्टॉक में पड़ा हुआ है। अब दोबारा थोड़ा रिमाइंड करिए, होल्डिंग कंपनी ने 40,000 का माल सब्सिडियरी को 50 में बेचा था, होल्डिंग कंपनी को टोटल प्रॉफिट 10,000 हुआ था। उस 50,000 में से 10,000 का स्टॉक अभी भी सब्सिडियरी के पास पड़ा हुआ है। इसका मतलब उस 10,000 में होल्डिंग कंपनी को 2,000 प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी ने रियलाइज नहीं किया। तो इसी तरीके के जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, उसको होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से कम करो और एसेट साइड में स्टॉक में से कम करो। इसलिए मैंने ये लिखा है, डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड स्टॉक ऑफ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। देखिए, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी को अगर बेचा है और होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से कम करो और सब्सिडियरी कंपनी के स्टॉक में से कम कर दो। इसी तरीके से अगर सब्सिडियरी ने होल्डिंग कंपनी को माल बेचा
और होल्डिंग कंपनी के पास अभी भी वो स्टॉक पड़ा हुआ है, तो सब्सिडियरी के प्रॉफिट में से कम कर दो और होल्डिंग के स्टॉक में से कम कर दो। तो एक तरफ प्रॉफिट में से कम करेंगे लाइबिलिटी साइड में, एसेट साइड में से स्टॉक में से कम करेंगे। सो दिस विल बी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक। सेम थिंग हैपन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अगर एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को फिक्स्ड एसेट्स बेचा है और उस पे कुछ प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसको एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों तरफ से कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इन द सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी सब्सिडियरी कंपनी का है वो होल्डिंग कंपनी के पास नहीं है, सारा का सारा बाहर वालों के पास है, तो वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट माना जाएगा। इट शुड बी शोन अलोंग विथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट अकाउंट इन सीबीएस। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ उसको शो कर देंगे। अगर उस प्रेफरेंस शेयर्स में से कुछ प्रेफरेंस शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीद रखे हैं, इफ सम पार्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, इट इज टू बी एडजस्टेड इन, इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हम एडजस्ट करेंगे। जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है सब्सिडियरी कंपनी का, अगर सारा का सारा माइनॉरिटी के पास है उसको माइनॉरिटी में शो करेंगे, अदरवाइज अगर होल्डिंग कंपनी के पास कोई शेयर है उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करेंगे। डिबेंचर्स इन सब्सिडियरी कंपनी, इसको भी उसी तरीके से हम शो करेंगे डिबेंचर्स को। डेट ऑफ होल्डिंग कंपनी विल अपियर सेपरेटली इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सिमिलरली डेट ऑफ द सब्सिडियरी कंपनी विल बी शोन एज नॉन करेंट लाइबिलिटी इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बट इफ पार्ट ऑफ डिबेंचर सब्सिडियरी कंपनी इज हेल्ड बाई होल्डिंग कंपनी, इसका मतलब क्या है? सब्सिडियरी कंपनी का कुछ डिबेंचर होल्डिंग कंपनी के पास है, इसका मतलब ये कॉमन डेट हो जाएगा। तो इसको दोनों तरफ से बैलेंस शीट के एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में दोनों तरफ से लेस कर देंगे। बट इफ पार्ट ऑफ द डिबेंचर सब्सिडियरी कंपनी इज हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एज इन्वेस्टमेंट एंड पार्ट बाय आउटसाइडर्स, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स हेल्ड बाय द होल्डिंग कंपनी will be to the extent of investments. Only the amount of debentures held by outsiders will appear as a separate item in the consolidated balance sheet. अब contingent liability for bills discount. What do you mean by contingent liability? Contingent liability का मतलब वो liability है जो आज liability नहीं है, liability बन सकती है। एनी लाइबिलिटी व्हिच डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट। अगर कुछ हो जाएगा तो ये लाइबिलिटी बन जाएगी, नहीं होगा तो लाइबिलिटी नहीं होगी। तो जो भी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है बिल्स डिस्काउंटेड के लिए, अगर वो इंटरनल है एक्सटर्नल है वो देखना पड़ेगा। सच कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब बाहर वालों की तरफ हमारी लाइबिलिटी है, इंटरनल का मतलब लाइबिलिटी इज विद इन द ग्रुप। विद इन द ग्रुप का मतलब यह है होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी को लाइबल है या सब्सिडियरी होल्डिंग को लाइबल है। एक्सटर्नल मीन्स ना होल्डिंग सब्सिडियरी को लाइबल है, बाहर वालों की लाइबिलिटी है। एक्सटर्नल कंटिजेंट लाइबिलिटी विल अपियर एज ए नोट इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट।
But if the contingent liability is in respect of a transaction between holding company and subsidiary company, that is internal contingent liability, it will disappear from footnote of individual company's balance sheet, since it appears as an actual liability. Actually, contingent liability हम balance sheet में नहीं दिखाते हैं, balance sheet के नीचे as a footnote दिखाते हैं, तो इसलिए उसको footnote में से कम करके दिखाएंगे. Next is revaluation of assets. Revaluation का मतलब क्या है? Value को change करना. Subsidiary company के shares holding company ने खरीद लिया. खरीदने के बाद वो कंपनी के एसेट्स को वैल्यू बढ़ा भी सकते हैं, वैल्यू घटा सकते हैं. अगर वैल्यू एसेट्स को बढ़ाएंगे वो प्रॉफिट होगा, वैल्यू एसेट्स को घटाएंगे तो लॉस होगा. तो इसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉसेस शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस. कोई भी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में होगा वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, रिवैल्यूएशन में कोई लॉस होगा वो कैपिटल लॉस माना जाएगा. एंड इट इज टू बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. इसका मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट होगा. अब देखिए इसको मैं उसी बैलेंस में लेके जा रहा हूँ टेबल पे. बस 2 सेकंड को इंतजार करिए आप. ये देखिए इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी कंपनी ए, इन्वेस्टमेंट आ गया लेस वैल्यू अक्वायर्ड, इक्विटी शेयर कैपिटल लिया उसको डिवाइड कर दिया दोनों में, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स लिया इस दोनों में डिवाइड कर दिया, देन प्री एक्विजिशन रिजर्व लिया इसको दोनों में डिवाइड कर दिया. इसी में ही आप लिखिए फोर्थ पॉइंट. मेरा बोर्ड नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप कागज पेंसिल से नोट कर लीजिए. फोर्थ पॉइंट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट. रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा इसमें ऐड कर देंगे, रिवैल्यूएशन लॉस होगा इसमें माइनस कर देंगे. इसका मतलब ये बी कैलकुलेट करने से पहले रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो वो ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो माइनस करेंगे. आई होप इट इज क्लियर. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कुछ भी है वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, और लॉस होगा तो कैपिटल लॉस माना जाएगा, उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्टमेंट करेंगे. इसका मतलब अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है गुडविल कम हो जाएगा, अगर रिवैल्यूएशन लॉस है गुडविल बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज अ कैपिटल प्रॉफिट. एडिशनल डेप्रिसिएशन इफ एनी विल बी एडजस्टेड इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अलोन. मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का बिल्डिंग थी, प्लांट था, उसको 1.5 लाख कर दिया, 50,000 रुपए प्रॉफिट हुआ, वो 50,000 रुपए आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ. लेकिन 10% डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया तो 50,000 पे 10% डेप्रिसिएशन 5,000 होगा. डेप्रिसिएशन पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा, जो भी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उस डेप्रिसिएशन को उसमें एडजस्टमेंट करेंगे. बोनस शेयर्स, कोई भी कंपनी बोनस शेयर्स जारी कर सकती है. अगर सब्सिडियरी कंपनी बोनस शेयर जारी करती है तो जो भी बोनस शेयर सब्सिडियरी कंपनी जारी करेगी होल्डिंग कंपनी के लिए वो कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा, कैपिटल रिसीट माना जाएगा, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्टमेंट करेंगे. अगर बोनस शेयर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन रिजर्व से जारी किया गया है उसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा. क्यों उतना ही रहेगा? बोनस शेयर्स फ्रॉम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कम हो जाएगा, शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा. अगर आपको ध्यान है ये तो नहीं ये बनाया है टेबल, फिर आप बार बार उसी टेबल पे ही आना पड़ेगा.
ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस शेयर इसमें जुड़ जाएगा और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में कम हो जाएगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व में कम हो जाएगा। इसका मतलब ये जो टोटल वैल्यू है वो उतना ही रहेगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी उतना ही रहेगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल उतना ही रहेगा। मान लीजिए बोनस शेयर हैव बीन इश्यूड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसका मतलब जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बी पार्ट है उसमें से आप कम करेंगे और शेयर कैपिटल में जोड़ देंगे, तो उसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है बोनस शेयर्स कहां से जारी किया गया है, प्री से या पोस्ट से, उसी हिसाब से इसके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बोनस शेयर्स इशूड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स, व्हेन द सब्सिडियरी कंपनी इशूज बोनस शेयर्स आउट ऑफ प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स और पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस, the following procedure is adopted: deduct the amount of bonus from the revenue surplus, adjust in cost of control. इसमें last item आता है adjustment of dividend receipt from the subsidiary company. ये adjustment आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसमें कोई बहुत ज्यादा problem नहीं है। Dividend जब भी सब्सिडियरी कंपनी जारी करती है, होल्डिंग कंपनी को डिविडेंड मिलता है, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डिविडेंड को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि डिविडेंड रिसीव्ड इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए प्रॉफिट। लेकिन हमें इसके ट्रीटमेंट करने से पहले ये देखना पड़ेगा डिविडेंड कहाँ से दिया गया, उसका सोर्स क्या है। अगर डिविडेंड सब्सिडियरी कंपनी ने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दिया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस करके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट करेंगे। अगर पोस्ट एक्विजिशन से दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फाइंड द सोर्स फ्रॉम व्हिच द डिविडेंड हैज बीन पेड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड कंप्लीटली आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इट शुड बी टेकन एज कैपिटल प्रॉफिट एंड एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड क्रेडिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब क्या है, इट विल बी एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, गुडविल कम हो जाएगा या कैपिटल रिजर्व बढ़ जाएगा। अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट और सरप्लस, इट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम एंड ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी। थर्ड पॉइंट में ये है पार्टली प्री में से पार्टली पोस्ट में से, इसमें आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, जितना हिस्सा प्री में से दिया गया है प्री एक्विजिशन में से दिया गया है उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट हो गए, बाकी जितना हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन में से दिया गया है उसको प्रॉफिट में दिखाएंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड बाय सब्सिडियरी कंपनी, इट विल बी टेकन एज रेवेन्यू प्रॉफिट एंड इट विल बी शोन इन पी एंड एल अकाउंट। देखिए यहाँ तक मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने सारा कवर कर दिया। आगे इलस्ट्रेशन लेने से पहले मैं ये चाहूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं कर लूँ, और उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन आपको शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन देने से पहले मैं क्वेश्चन उसके दूंगा। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए और इसको समझ लीजिए, फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर टाइम मिला तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये आप बैलेंस शीट को नोट कर लीजिए ताकि बार बार मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा। जस्ट गो थ्रू दिस बैलेंस शीट और आप दिमाग में लगाएंगे। इसमें देखिए टेंजिबल इन्वेस्टमेंट है 16 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट, 90% इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडियरी, 90% इक्विटी शेयर्स 12 लाख में खरीदा, तो 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट है।
इसकी बैलेंस शीट जो 31 मार्च को है, 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल है, 2 लाख रुपए रिजर्व है, 4 लाख रुपए सरप्लस है। एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स ऑन 1 जुलाई 2015। इसका मतलब 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च, सॉरी 30 जून तक 3 महीने प्री एक्विजिशन माना जाएगा और 9 मंथ पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। बैलेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस 1,60,000 रिजर्व था, बाद में 40,000 हुआ है, 4 लाख सरप्लस था, पहले 1 लाख था, बाद में 3 लाख हुआ है। इसको आप आराम से देखिए, आप क्वेश्चन जो भी पूछ रहे हैं वो बताइए। इससे काफी कुछ चीजें आपको समझ आ जाएगी। मेरा ऑडियो वीडियो आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑडियो वीडियो आ रहे हैं? अभी नहीं आ रहा लगता है। यस सर, ओके ओके, ऑडियो वीडियो आ रहा है मुझे तो? यस
क्रॉस दिखाई दे रहे हैं। ओके ठीक है, इसको हटाओ। देखिए इन दिस क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन को एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। एच लिमिटेड एस लिमिटेड, बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च 2016। एच लिमिटेड परचेज द शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2015। इसका मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने प्री एक्विजिशन माना जाए, 9 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन माना जाएगा। इसके टोटल शेयर कैपिटल सब्सिडियरी के 6 लाख रुपए। सेकंड पॉइंट लिखा है बैलेंस इन जनरल रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिट ऑन 1 अप्रैल इज 160 एंड 1 लाख रुपए पहले अप्रैल को बैलेंस था रिजर्व में, और 1,60,000 रुपए रिजर्व में बैलेंस था, 1 लाख रुपए सरप्लस था। 90% ऑफ इक्विटी शेयर्स एस लिमिटेड का एच लिमिटेड ने, तो 90% हो गया मेजोरिटी स्टेक। होल्डिंग कंपनी का शेयर 90% है, सब्सिडियरी का शेयर होगा 10%। अब देखिए 2 लाख रुपए जनरल रिजर्व है, 1,60,000 पहले था, तो साल भर में कितना जनरल रिजर्व हुआ है? आप इसको समझने की कोशिश करिए। 2 लाख एंड में था, साल के बिगनिंग में 1,60,000 था, तो जनरल रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर इज 40,000। और इसमें से प्री एक्विजिशन पीरियड कितना है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना है, इसको हम कहते हैं टाइम रेशियो। टाइम रेशियो इज 1:3। पहले के 3 महीने अप्रैल मई जून ये एक्विजिशन से पहले का समय है, ये प्री एक्विजिशन माना जाएगा। जुलाई से लेकर 31 मार्च तक 9 मंथ्स ये पोस्ट एक्विजिशन है। इसका मतलब 3/12 9/12, या 3/12 का मतलब क्या, 1/12 3/4। प्रॉफिट रिजर्व में आप लेंगे 10,000 और पोस्ट रिजर्व लेंगे 30,000। जो प्री रिजर्व 10,000 है वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट कर देंगे, पोस्ट रिजर्व 10,000 उसका हिस्सा होल्डिंग कंपनी के रिजर्व में शो करेगा। 4 लाख 1 अप्रैल को सरप्लस था 1 लाख। इसका मतलब प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ है, 4 लाख में से 1 लाख अगर लेस करेंगे 3 लाख रुपए साल भर में प्रॉफिट हुआ है। उस 3 लाख में से बिजनेस परचेज करने से पहले कितना था, बिजनेस परचेज करने के बाद कितना है, बिजनेस परचेज करती इंटू 3/12 3 लाख इंटू 1/4 75,000, और पोस्ट होगा 2,25,000। इसका मतलब प्री एक्विजिशन सरप्लस है, पहले 1 था 75 और हुआ 175 होगा। अब इसको देखो टेबल पे, देखते हैं कैसे करते हैं। जनरल रिजर्व ओपनिंग बैलेंस 1,60,000, जनरल रिजर्व फर्स्ट 3 मंथ्स 10,000, सरप्लस ओपनिंग बैलेंस 1,00,000, सरप्लस फर्स्ट 3 मंथ्स 75,000, टोटल हो गया 1,75,000 ये और 1,70,000 ये, 1,75,000 और 1,70,000 टोटल हो गया 3,45,000। ये हो गया प्रॉफिट में से। होल्डिंग कंपनी का हिस्सा 90%, माइनॉरिटी का हिस्सा 10%, 10% 3,45,000 का 10% कितना होगा, 34,500, 90% 2,25,000, 22,500, 27,000। ये 27,000
पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में ऐड कर देंगे होल्डिंग कंपनी के 2,02,500, होल्डिंग कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन सरप्लस में ऐड करेंगे 34,500 जमा 3,000 जमा 22,500, ये सब कुछ मिला के माइनॉरिटी शेयर में ऐड करेंगे। माइनॉरिटी शेयर 34,500 जमा 25,500, ये हो गया 60,000 और 10% कैपिटल है 60, तो 60 + 60 1,20,000 माइनॉरिटी शेयर। अब देखिए कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे, 12 लाख रुपए पेमेंट किया, 71,000 जो साल भर में इसी तरीके से 1,60,000 रिजर्व एंड सरप्लस 12,29,500, माइनॉरिटी 20, करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल 10 लाख। 10 लाख कहाँ से आया देखो, 6 + 4, ठीक है, टोटल हो गया 43,49,500 फिक्स्ड एसेट्स। इसमें देखिए 16 + 10 = 26, कैश एट बैंक 8 + 6 = 4, तो ये 16, 10, 26 लाख हो जाएगा, ठीक है। कैश एट बैंक 14 लाख हो गया। इंटेंजिबल में गुडविल, गुडविल आपने कैलकुलेट किया था यहाँ 349,500, टोटल हो गया 43,900। अब शेड्यूल्स देखें, शेयर कैपिटल इश्यूड एंड सब्सक्राइब 20 लाख, जनरल होल्डिंग कंपनी का हिस्सा था पहले 4,27,000 सबसे 4,27,000 सरप्लस होल्डिंग कंपनी का था, 6 लाख शेयर सब्सिडरी 2,02,000, टोटल मिला के 12,29,500। वो आ गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दिया था। शेयर इन द रिजर्व 25,500 टोटल, ट्रेड पेबल 10 लाख, टेंजिबल एसेट्स 16, 10, 26, गुडविल कैलकुलेटेड है, कैश एट बैंक। अब भी आपको समझ में आ गया सारा, देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। नाउ आई हैव टू वाइंड अप द क्लास। आज की तारीख में मैंने आपको ये समझाया है होल्डिंग कंपनी क्या है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स क्या है, सब्सिडियरी कंपनी क्या है, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम किस तरीके से बनाएंगे उसके बारे में मैंने बता दिया है। और आप लोगों की जो कंसर्न है, जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे, मैं ऑर्गेनाइजर से बात करूंगा, वो उसको अपलोड कर देंगे, जो भी मेरी लेक्चर लाइव है वो भी आपको मिल जाएगा। अब मेरी आज लास्ट क्लास है, इसके बाद हम लोग मिल तो पाएंगे नहीं, लेकिन आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है आप इस पोर्टल में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डाल सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं इस पोर्टल में, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मैं उसको टाइमली देखूंगा। ये तो आप उम्मीद मत करिए कि मैं 24 आवर्स से इसको खोल के बैठ पाऊंगा, ऐसा नहीं, मैं 2 दिन में एक बार सारे क्वेश्चंस देख के आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। और जो भी प्रॉब्लम है, चाहे मैं देखूं इस प्रॉब्लम को, चाहे और कोई टीचर देखे, हम रेगुलरली डैशबोर्ड विजिट करेंगे और विजिट करने के बाद जो भी समस्याएं होंगी समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों की कोई और समस्या ऐसी रह जाती है तो आप मेल कर सकते हैं, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उसमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ आई विल वाइंड अप द क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। जो भी इसके नियम है उसका पालन करिए और कोशिश करिए आप स्वस्थ रहें।
बाकी जो भी घर में रहने से आपको समय भी ज्यादा मिलता होगा, अपनी पढ़ाई करिए। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक टेक्स्ट बुक चाहिए होगा और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स चाहिए होंगे, उनसे आप प्रैक्टिस करिए। समय है, उसका सदुपयोग करिए। जब भी लॉकडाउन खुलेगा उसके बारे में, जब भी एग्जामिनेशन डिसाइड होगा कैसे होगा, सब डैशबोर्ड में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। नाउ वी कैन वाइंड अप। आनंद,